देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि हमने आपको पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट इन्विडेंस जिस संधिवाक्य में ता है, ते है, ती है, वह प्रेजेंट इन्विडेंस होता है। लेकिन अब हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ध्यान से पढ़िए, आप देखिए मस्ती मत करिए, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको बोलते हैं जो काम लगातार जारी हो, वर्तमान में जो काम जारी हो उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका नियम देखिए, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, इसमें सिंगुलर नंबर माने हमने कई बार आपको बताया है एक वचन करता, सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ इट इस सहायक का प्रयोग करते हैं तथा आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल नंबर पी एल यू आर ए एल प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर वी डे यू के साथ, वी डे यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया कि जिस संधिवाक्य के अंत में, सॉरी पहचान देख लीजिए, प्रेजेंट रहा है, रहे हैं और रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिस संधिवाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें सिंगुलर नंबर ही सी टेम के साथ इज, आई के साथ एम तथा प्लूरल नंबर वी डी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले किसी वाक्य का सिंपल बनता है, मैंने कई बार बताया, देखिए जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है तो हो जाएगा ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। फिर देखिए राधा आम नहीं, देखिए राधा आम नहीं खा रही है, राधा आम नहीं खा रही है, हो जाएगा राधा इज नॉट ईटिंग मैंगो, राधा इज नॉट ईटिंग मैंगो। ठीक, दो बात हो गए। अब आपको देखिए तीसरा वाक्य, अब तीसरा वाक्य क्या चालू होता है, मैंने आपको बताया तीसरा वाक्य क्या चालू होता है, जैसे क्या वह जा रहा है, तो क्या जब वाक्य पहले आता है, हमने कई बार बताया है कर्ता अनुसार सहायक क्रिया पहले ले लेते हैं, जैसे इज हो जाएगा इज ही गोइंग, क्या हो जाएगा इज ही गोइंग। फिर इसके बाद हम क्या बनाते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसका नेगेटिव, जैसे चौथा वर्ड क्या वह नहीं रो रहा है, देखिए क्या वह नहीं रो रहा है, इसका क्या हो जाएगा फिर इज ही नॉट बीपिंग, इज ही नॉट बीपिंग, क्या वह नहीं रो रहा है, इज ही नॉट बीपिंग। अब क्या बीच में आया, जैसे वह क्या पका रही है, तो क्या बीच में आया, तो पहले हम वाट ले लेते हैं, वाट इज सी कुकिंग, वाट इज सी कुकिंग, वह क्या पका रही है। अब इसके बाद देखिए सब आपका क्या वाक्य आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहां से कौन सा वाक्य शुरू होगा आपका, ध्यान दीजिए यहां से आपका क्वेश्चन मार्क शुरू होगा, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको हम हमेशा आपको बता रहे हैं, जैसे अब यहां से आपका वाक्य शुरू हो जाएगा कब क्यों कैसे कहां किस लिए
किस लिए, किसके लिए, देखिए कब, क्यों, कैसे, कहां, किस लिए, किसके लिए, और फिर देखिए कौन, किसको। कई बार हमने इनका आपको बताया है कि इस माने होता क्या है, जैसे कब का वेयर, क्यों का वाई, कैसे का हाउ, कहां का वेयर, किस लिए फॉर व्हाट, किसके लिए फॉर हूम, कौन हु, और हु माने किसको। अब देखिए इनका इनका मैंने हमेशा बताया है कि इनका जो ट्रांसलेशन होता है वो सेम इसी तरह से होता है, जैसे वह कहां जा रही है, वह कहां जा रही है, तो इनका ट्रांसलेशन वह कहां जा रही है, तो इनका ट्रांसलेशन सेम बनता है। तो सबसे पहले केसर की मीनिंग प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनेगा। जैसे वह कहां जा रहा है, वह कब जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह कैसे जा रहा है, वह कहां जा रहा है, वह किस लिए जा रहा है, वह किसके लिए जा रहा है, वह किसको पढ़ा रहा है, सब एक तरह के वाक्य। इनको बनाने के ही नियम है, सबसे पहले किसी में प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे वह कहां जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। अब इस तरह से सभी में बना सकते हैं। आगे देखिए, अब आगे आपका विच, विच और हुज, हमने कई बार आपको बताया है विच माने होता है कौन सा, कौन सी, हुज माने किसका, किसकी। देखिए विच माने कौन सा, कौन सी, हुज माने किसका, किसकी, किसका, किसकी। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए आप, जैसे वह कौन सी, वह कौन सी अखबार ला सकता है। अब देखिए इनका ट्रांसलेशन इससे डिफरेंट होगा, जैसे आप क्वेश्चन वर्ड है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तब हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब। जैसे वह कौन से अखबार ला सकता है, तो विच पहले क्वेश्चन मेरी, विच अखबार क्या होता है ऑब्जेक्ट, विच न्यूज पेपर, विच न्यूज पेपर, तब साहित्य, इज ही ब्रिंग, विच न्यूज पेपर इज ही ब्रिंग। एक और वाक्य है देखिए, वह किसका, वह किसका, वह किसका फूल तोड़, सॉरी थोड़ा गलती हो, जैसे वो कौन से अखबार ला सकता है, ला रहा है, सॉरी वो कौन से अखबार ला रहा है, वो कौन से अखबार ला रहा है, तो विच न्यूज़पेपर इज ही ब्रिंग, क्योंकि ब्रिंग ही नहीं हो सकता, ब्रिंग ही हो सकता है। फिर से देखिए वो कौन से अखबार ला रहा है, तो विच न्यूज़पेपर इज ही ब्रिंग। अब इससे वह किसका फूल तोड़ रहा है, तो हुज हो जाएगा किसका, हुज फ्लावर इज ही प्लक, इसमें प्लक ही नहीं हो सकता, प्लक ही होता है। कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर वर्ब। जैसे आप देखिए, जैसे हमने आपको बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रह रहे, वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसको बनाने के लिए हम सिंगुलर नंबर इस नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तथा प्लूरल नंबर वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे वह जा रहा है, he is going. राधा आम नहीं खा रही है, राधा is not eating mango. क्या वह जा रहा है, is he going. क्या वह नहीं रो रहा है, is he not weeping. वह क्या पका रही है, what is she cooking. अभी क्वेश्चन आया, मैंने बताया इनके बारे में क्वेश्चन, जैसे वह कहां जा रहा है, where is he going. अब आगे आपका कौन सी, कौन सा, किसका, किसकी, राइट right? जैसे वह कौन सी अखबार ला रहा है, वह कौन सी अखबार, या कौन सा अखबार भी कह सकते हो, कौन सा अखबार ला रहा है, विच न्यूज़पेपर इज ही ब्रिंग, वह किसका फूल तोड़ रहा है, हुज फ्लावर इज ही प्लक। अब देखिए जैसे हम एम का देखते हैं, मैंने आपको बताया ना कि जैसे हम आई के साथ, हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और वी देव के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम
गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। जैसे क्या हुआ, क्या मैं लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, हाँ बोली, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, व्हाट एम आई टीचिंग। अब जैसे क्वेश्चन यहां भी सेम हो जाएगा, जैसे मैं कहां जा रहा हूं, वेयर एम आई गोइंग, जैसे मैं कौन सी मोबाइल ले रहा हूं, विच मोबाइल एम आई टेकिंग, जैसे मैं किसका मोबाइल ले रहा हूं, तो हूज मोबाइल एम आई टेकिंग। अब आता भी देख लेते प्लूरल नंबर का, जैसे तुम जा रहे हो, जैसे यहां देखते हैं तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग, जैसे क्या तुम कोशिश कर रहे हो, आर यू ट्राइंग, जैसे क्या तुम मुंबई नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू मुंबई, जैसे तुम क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। आगे देखिए, जैसे तुम कहां लिख रहे हो, वेयर आर यू राइटिंग, जैसे तुम किसके लिए लिख रहे हो, फॉर होम आर यू राइटिंग, जैसे तुम कौन सी ट्रेन चला रहे हो, तो हो जाएगा दिस ट्रेन आर यू ड्राइविंग, तुम किसकी मोबाइल छीन रहे हो, तो हो जाएगा, हाँ बताइए, हाँ हुज मोबाइल आर यू स्नैचिंग, स्नैचिंग माने छीनना। ओके, ये था आपका प्रेजेंट टेंस। इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस को पढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ सकता है। ओके, ये था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।